हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ फ़हीम। वेलकम बैक टू चैनल फ़हीम ब्लॉग्स। आज का हमारा केस है लैग का। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं, 25 दिन का बच्चा है और जन्मजात से इसकी टांगें जो थी फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, खड़ा नहीं हो पा रहा था, चलने में असमर्थ था। तो इसका मैंने एक भाग और डाल रखा है। उस जब मैंने इसको जो प्रिस्क्राइब की थी दवा विटामिन AD3 की करी थी और अब ये चलने में बिल्कुल पूरी तरह सही से चल रहा है, लेकिन जो इसकी अगली टांग है ये जन्मजात से टेढ़ी है, इसको सही तरीके से ये रख के नहीं चल पाता है। तो यहाँ पर आज हम इसका खपंचों के माध्यम से जो इसकी मसल्स में खिंचाव है या हड्डी में टेढ़ापन है, तो खपंचों के माध्यम से हम आज इसको कितने परसेंट ये सीधी हो सकती है, क्योंकि अभी मुलायम बोन्स हैं और साथ ही साथ स्मूथ मसल्स हैं। तो यहाँ पर ओनर से जो मैंने प्रिस्क्राइब किया था, तो मैंने फ़ाइबर प्लास्टर के लिए रिकमेंडेशन करा था, लेकिन फ़ाइबर प्लास्टर के लिए जो रिकमेंडेशन मैंने करी थी उसके लिए बच्चे में अभी इतनी जान नहीं है, उतना दर्द नहीं सह पाएगा। यानी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट तो यही है कि इसमें फ़ाइबर प्लास्टर हो जाए, उससे इसकी टांग जो है बिल्कुल सीधी रहेगी और 15 से 20 दिन तक वो प्लास्टर हो जाएगा एक बार में, उससे काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स मिलने के चांस रहते हैं ऐसी टांगों पर। लेकिन बच्चा छोटा होने की वजह से यहाँ पर हमने जो डिसीजन लिया है साथियों, वो लिया है खपंचों का देसी प्लास्टर से। ये देख सकते हैं, अभी मैं इसका फ्लैप बना रहा हूँ कॉटन से। पूरा मैंने ऊपर से लेके जहाँ इसका मिड पॉइंट है, जहाँ टेढ़ी है, उससे ऊपर मैंने फ्लैप बनाया कॉटन से पूरा, और उसके बाद 6 इंची की बैंडेज से मैंने इसका पूरा जो कॉटन थी उसको कवर किया है, जो कॉटन है वो निकल के भागे नहीं और अच्छे से खपंच बंद जाए। इससे हमको दो फायदे होने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसकी जो हमने कॉटन बांधी है, जो बैंडेज करी है, ये अंदर खपंचों को जाने नहीं देगा, टांग में कोई भी चोट वगैरह नहीं लगेगी, कोई भी लकड़ी वगैरह नहीं लगेगी, जिससे कि आसानी से इसका फ्लैप बन जाएगा और खपंचों का भी खिंचाव जब हम इसको अच्छे से करेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छी तरह हो जाएगा। ये देख सकते हैं, तो बहुत ही बच्चा प्यारा है, मेल है, और जन्मजात से ऐसी कंडीशन होना ये सब ऊपर वाले की वो है, प्रकृति है, प्रकृति का नियम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने जो आइडिया करा है वो यही है कि हम इसके प्लास्टर का इंतजाम करें। अब जब इसमें कुछ जान पड़ जाएगी, फ्लेक्सिबल जो बोन है, जो लचीली हैं, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा प्रेशर पड़ेगा और प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी जो टांग टेढ़ी है उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। अगर जैसे ही ये 1.5 से 2 महीने का क्रॉस आउट होता है, तो वहाँ पर हम अगर इस प्लास्टर से इम्प्रूवमेंट नहीं मिला हमें 20 से 25 दिन के अंतराल में, तो तब हम डिसीजन लेंगे फाइबर प्लास्टर का। ये देख सकते हैं, इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। ये कई दिन से मेरे पास आ रहे थे, लेकिन टाइम ना होने की वजह से, क्योंकि और भी केस होते हैं, इन केसों में फ़ाइबर प्लास्टर हुआ या देसी प्लास्टर हुआ, इनमें साथियों टाइम लगता है, समथिंग इनमें टाइम कम से कम 0.5 घंटा 1 घंटा बिगड़ जाता है, क्योंकि इसमें खपंचों को पूरा रेडी किया जाता है, उनकी धांसों को मारा जाता है और अच्छे से तैयार किया जाता है, जिससे कि बच्चों को ना लगे। और इन्हीं सभी प्रक्रिया में, क्योंकि हमें खुद अपने हाथों से करनी पड़ती है, क्योंकि जो ओनर है उनको क्या पता किस तरीके से काटनी पड़ेंगी, क्या फ्लैप बनेगा और कितने साइज़ की हमको रखनी है, तो पूरी इसकी कंडीशन होती हैं अगर इसको सही तरीके से किया जाए, कहाँ तक इसकी लेंथ रखनी है, ये सब चीज़ हमें मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसको जहाँ जहाँ सपोर्ट हमको देनी थी उन वहाँ पर हमने खपंचों को लगा लिया है, और एक मिड में हमने इसको बॉन्ड कर दिया है। एक मिड में बॉन्ड करेंगे, उसके बाद पीछे करेंगे, फिर अगले सिरे पर करेंगे। 3 पॉइंट लगा के हमें इसको टेपिंग करनी है, जिससे कि ये भागे नहीं आगे पीछे। फिर उसके बाद हमने राउंड शेप में फिर सर्कलिंग करनी है एक रस्सी के माध्यम से, चाहे वो 6 इंची की बना लें आप पट्टी की काट कर बीच में से, चाहे उसके ऊपर आप कोई रस्सी का अप्लाई कर दें,
या कोई भी कपड़े, सूती कपड़े या कॉटन कपड़े का अप्लाई कर दें जो मजबूत हो। ये देख सकते हैं अभी पूरी तरीके से सेटिंग नहीं बैठ रही है, आगे चल के आपको दिखाया जाएगा, ये देख सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा रेयर केस होता है इस बच्चे के लिए, क्योंकि पेनफुल भी होता है, क्योंकि खिंचाव होता है पूरी तरह इस कंडीशन में, तो तकलीफ़ तो उठानी पड़ेगी इसको, क्योंकि कोई भी चीज़ है उसको करने से पहले हमें दर्द सहना पड़ता है, यही जानवर का भी सहना पड़ेगा, क्योंकि मजबूर ये पूरी तरह ये टांग नहीं धर पा रहा है, मोड़ का टांग चलता है, तो ओनर को दर्द होता है इस चीज़ का कि ये टांग सीधी से नहीं कर पाए चल पा रहा है, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे आप देखेंगे धीरे धीरे, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। देखिए कोई भी चीज़ है गोट फार्मिंग में या कोई भी, अगर हम बेसिक नॉलेज हमको पता होगी तभी हम छोटे छोटे कामों से आगे निरंतर बढ़ते रहेंगे। अब एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि आप जो सीरियस कंडीशन होती हैं उनकी वीडियो डाला करें, मैं तो सीरियस की भी वीडियो डालता हूँ, सारी वीडियो ऐसी डालता हूँ जो आपको हेल्पफुल मिले, जिससे आपको हेल्प मिले, मदद मिले, सारी ऐसी वीडियो में डालता हूँ, और सीरियस केस भी डालता हूँ जो सीरियस होते हैं। बात डिपेंड होती है केस के ऊपर, अगर कोई सीरियस केस होगा या ज़्यादातर जनरल में हमें जो जनरल केस होते हैं उनसे ही हम रिकवर कर देते हैं, तो सीरियस इतने केसेस नहीं मिलते हैं, अगर मिलते भी हैं तो मैं ज़रूर उनको डालता हूँ, जैसे रिटेंशन ऑफ यूरिन का हो गया, PPR हो गया, या तुम्हारे FMD हो गया, या तुम्हारे एंट्रोटॉक्सीमिया हो गया, ये सब सीरियस केस आते हैं, या बॉडी में डिहाइड्रेशन हो गया, एसिडोसिस हो गया, ये सब सीरियस केसों के मैं डालता रहता हूँ। अगर कोई भी ऐसी कोई दिक्कत है या आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, जो डेली मैं अपलोड करता रहता हूँ हर टॉपिक पर, हर ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इतने आप चैनल को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसके लिए भी मैं आपको सभी का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं मैंने इसके टेप अप्लाई करी है, अभी पूरा प्लास्टर जो है ठीक, हम इसको 20 से 25 दिन के बाद हम खोलेंगे, हो सकता है अगर इसका सही सलामत इसने रखा तो 1 मंथ में भी खोल सकते हैं, उसके बाद अगर इसको इम्प्रूवमेंट मिलेगा तो देखेंगे इसमें जान पड़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी एक्टिव बच्चा है, दूध वूध सही से पी रहा है, तो हम देखेंगे वहाँ पर तब डिसीजन लेके फाइबर प्लास्टर का। तो देख सकते हैं ये हमने टेप लपेट दिए जिससे कि इसमें आगे पीछे खपंजे जो हैं बाहर निकल के ना भागे, और अभी देख सकते हैं ऊपर से हम बैंडेज, इस पर इसकी कॉटन की 2 बैंडेज हमें रस्सी टाइप बना के इसमें 3 अच्छे राउंड सर्कल में हम इसको टाइट से बांध देंगे गांठों के माध्यम से, जिससे ये आसानी से रुक सके। अब मैं आपको दिखाऊंगा प्लास्टर करने के बाद क्या कंडीशन होती है इसकी। तो गाइस देख सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में इसका स्ट्रक्चर कैसा है और कैसा असहनीय दर्द है इसको, और इसका शेप आप देख सकते हैं टांग का कितना ज़्यादा भयंकर है और किस शेप में ये रखकर चलता है, तो इसलिए हमें बांधनी पड़ी है खपंचे। ज़्यादा दिन का बच्चा नहीं है तो इसलिए फाइबर प्लास्टर ये झेल नहीं सकता, क्योंकि इसमें हीट पैदा होती है और इतनी ज़्यादा हीट ये सह नहीं पाएगा, क्योंकि गर्म होता है वो, क्योंकि केमिकल से एक बार जब एक्टिव हो जाता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द करता है वो, तो इसलिए हमने भी फाइबर प्लास्टर नहीं करा। 3 टांगें थी इसकी जो काफ़ी लचीली थी उस टाइम पर जब इसकी डिलीवरी हुई थी, तो वो काफ़ी हद तक अब ठीक हो गई हैं, 3 टांगों से अच्छे से चल लेता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इसमें टेढ़ापन है। तो आशा करता हूँ नेक्स्ट पार्ट डालूँगा अगर इंशाल्लाह ये ठीक होगा, अगर नहीं ठीक होता है तो उसका फिर मैं फाइबर प्लास्टर का पार्ट डालूँगा। तो तब तक के लिए आप बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।